छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ से प्रश्न देखेंगे, आपके सीजीपीएससी व्यापम में प्रश्न पूछे गए, जितने भी अभी प्रश्न पूछे गए ओल्ड क्वेश्चन हैं, इसको एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। महिला पर्यवेक्षक जो एग्ज़ाम है 27 तारीख को है, यानी कि आपके पास मात्र 19 दिन बचा हुआ है, क्योंकि आज आपका 8 अगस्त है और कितने दिन बाकी है आपका, देखिए 27 को आपका पेपर है, यानी कि मात्र आपके पास 19 दिन बचा हुआ है। एक बार रिवाइज करके जाइएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा। वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं, टोटल 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जिसमें वन लाइनर लेकर आया हूँ। इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करने स्टार्ट कीजिएगा। जितने भी देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछा गया है व्यापम पीएससी में, सभी का सभी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा आपका व्यापम पीएससी सभी में पूछा गया है। एक बार अगर रिवाइज कर लेते हैं ना तो जनजातियाँ से आपका 2 से 3 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से, हमारी मेहनत को जाया न करते हुए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट किस जमींदार के थे, तो आपका आएगा बिंझवार जमींदार के थे। एक बार फिर से कहूँगा, छत्तीसगढ़ के जो सोना खान है स्टेट किस जमींदार के, बिंझवार, वो है शहीद वीर नारायण सिंह। सेकंड है, छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव के अनुसूचित जनजाति हैं, तो अबुझमाड़िया आपका सीजीपीएससी 2017 में। प्रजा जनजाति कन्या नाम को धुरवा कहा जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि प्रजा जनजाति को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे धुरवा। जनजाति में कौन है जो कांकेर एवं बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती है, हमेशा याद रखना कांकेर जो है ना बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती है, वो पारधी है, बिल्कुल तर सभी जिलों में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आओ जनजाति, आओ नहीं है वो माओ पाटा जनजाति है, एक मिनट ना, ये वाला है आपका कबीरधाम। वीर नारायण सिंह किस जनजाति के समूह थे, बिंझवा। मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र है नारायणपुर, सीजीपीएससी 2019 में। सभी के टॉपिक लेकर आया हूँ, जितने भी आपके जनजाति से प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रकार पूछे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बिंझवार जनजाति के 3 चिन्ह है, ठीक है, सीजीपीएससी 2016 मैं इसीलिए यह क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियो में क्लास लिया हूँ, जबकि उन्होंने कहा है कि सर जनजाति से क्वेश्चन लेकर आए, तो हम वही क्वेश्चन लेकर आए जो आपके व्यापम पीएससी में बार बार पूछा गया है। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो इस राज्य के जनजाति संस्थक घोटुल का अध्ययन किस वेरिएंट एल्विन है, हाँ वेरिएंट एल्विन आएगा ना, कमेंट ना करें, बिल्कुल ब्लॉकेट करूँगा यहाँ पर आपको। क्या नाम है, रमेश, रमेश को ब्लॉकेट कर दिया गया है, बार बार कमेंट ना कीजिएगा, पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा, रिवाइज करके जाए। पाइका किस जनजाति से संबंधित है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सीजीपीएससी 2019 में दिया है लेकिन इसको 2020 और 21 में भी पूछा गया है। तो सीजीपीएससी 2020 और 21 में भी पूछा गया है पाइका किस जनजाति से संबंधित है, कंवर। बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है, सरगुजा, सीजीपीएससी 2019। ये सभी प्रश्न आपके व्यापम पीएससी सीजीपीएससी में ही पूछा गया है, तो व्यापम में तो ऐसे पूछा जाएगा, आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहाँ से आपका 2 से 3 नंबर यहाँ से बन जाएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ककसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, अबुझमाड़िया, व्यापम 2013 में, ठीक। छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया, सीजीपीएससी 2019। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, कमार, सीजीपीएससी 17। प्रधानमंत्री जनजाति मुख्यतः किस जिले के निवासी हैं, कबीरधाम, सीजीपीएससी 2019। छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति जो ग्रुप पीटीजी कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नाहर एक उप जनजाति किसकी है, बैगा की, नाहर जो है आपका उप जनजाति किसकी, बैगा की, सीजीपीएससी 15। धनका किस जनजाति की उप जनजाति है, उराव, याद रखना जो भी टॉपिक करा रहा हूँ एक बार रिवाइज कीजिएगा। अबुझमाड़िया इस छत्तीसगढ़ राज्य के किस जनजाति की उप जनजाति है, तो गोड़, सीजीपीएससी 2019। गुरुवाटवा किस में होता है, विनिमय विवाह में होता है, व्यापम 2016। घोटुल किस जनजाति से संबंधित है, मुरिया जनजाति से, सीजीपीएससी 2018 और लाइब्रेरियन में पूछा गया है। सेवा विवाह को लमसेना विवाह भी कहा जाता है, ये गोड़ जनजाति से संबंधित है।
सल्फी नामक पेय पदार्थ किन जनजाति से संबंधित है? तो यह मारिया। छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? चूरा पहिना विवाह भी कहा जाता है और उसको अर उतो विवाह भी कहा जाता है। अर उतो विवाह भी कहा जाता है, याद रखना एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ में जो पुनर्विवाह होता है सामान्य उसको अर उतो विवाह के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है अर उतो विवाह किससे जाना जाता है, तो उसे पुनर्विवाह और चूरी पहिना विवाह भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा विवाह, देखिए जो दूध लौटावा विवाह होता है ना गोड़ जनजाति में ही होता है, जैसे ममेरा फुफेरा भाई बहन का विवाह भी गोड़ जनजाति में किया जाता है, ठीक है। देखिए गोदना गोदवाने वाली जनजाति ओझा है आपका सीजीपीएससी 20 में, लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है अघरिया सीजीपीएससी 2018 में। छिंदी पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं? शिकारी लोग बनाते हैं ना। लोहे की पूजा को दुर्गा देवी की पूजा मानते हैं कौन लोग? कमार लोग। सड़वा जुड़ूम का हिंदी अर्थ होता है शांति की ओर लौटो, ये आपका व्यापम में पूछा गया था 2021 में, यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन इसको कई लोग गलत आंसर लिए थे। सड़वा जुड़ूम का हिंदी अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। अमृता की स्तन की परंपरा किस जनजाति में है? तो डंडामी माड़िया सीजीपीएससी 2019। देखिए 33वां है कि छत्तीसगढ़ के जनजाति लोगों में प्रचलित ढूंकू प्रथा है ना, वो इसको ध्यान से समझना। छत्तीसगढ़ राज्य के जनजाति लोगों में प्रचलित जून को विवाह हट विवाह भी कहा जाता है, क्योंकि लड़की भाग कर अपने प्रेमी के घर आ जाती है और वहाँ रहने लगती है, इसको हट विवाह या पैठ विवाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार में आपको याद नहीं हुआ होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग महिला पर्यवेक्षक या फिर व्यापम हॉस्टल वार्डन ना या फिर व्यापम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो मिल सके, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। देखिए अब यहाँ से हम पेय पदार्थ वगैरह क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, इसके बाद हम पेय पदार्थ वगैरह से देखेंगे, जो भी जितने भी जनजाति से पूछे जाए ना वही प्रश्न कराएंगे। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करती? कबीरधाम। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो है आपका दो कमार, तीसरा पहाड़ी कोरवा और चौथा है आपका बैगा, जो कि भारत सरकार द्वारा अति पिछड़ी जनजाति में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जबकि परजा है, परजा आपका छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत सरकार द्वारा घोषित अति पिछड़ी जनजाति में किसे शामिल नहीं किया गया है, इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप डायरेक्ट परजा में आंसर क्लिक करना। निम्न में से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? तो ये आपका उराव जो है विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, क्योंकि देखिए जो पिछड़ी जनजाति 7 प्रकार की होती है जिसमें विशेषता आपका 5 प्रकार का लिया गया है, ठीक है। देखिए मैं उसको अभी आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ में 7 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ पाई जाती है, जिसमें 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार द्वारा। इसको याद कैसे करना है इसको भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, ये 5 प्रकार के केंद्र सरकार द्वारा है, जबकि 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित किए हैं, भुंजिया और पंडो। भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ना आपका तो वही आप बताएंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे, आपको मैं यहीं पर अब बता दिया था छत्तीसगढ़ विशेषता 7 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ पाई जाती है केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा 5, राज्य सरकार द्वारा 2, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है जो शामिल नहीं है? तो उराव जनजाति है जो शामिल नहीं है, जबकि अभुजमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और कोरवा, ये देखिए इसको याद करने का तरीका, याद कैसे करेंगे, ए बी बी के के, अब याद हो गया ना आपका, अभुजमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा, यहाँ तक हुआ। अब देखिए विशेष पिछड़ी जनजाति शामिल नहीं है, उराव कहीं पर आपको दिख रहा है इसमें 5 में? नहीं दिख रहा है,
क्योंकि देखिए इसमें भारिया, बैगा, अबुझमड़िया सभी आपको दिख रहा है, ठीक है, याद करने का तरीका है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति है जो सबसे बड़ी जनजाति है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है एवं 161 उप समूह पाया जाता है। तो गोंड जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे अबुझमड़िया। अबुझमड़िया याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, जो जो एग्जाम पूछता है वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। भड़म नृत्य किस जनजाति का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है? भारिया। राज्य की कौन सी जनजाति है जो घोड़ों को छूना विशेष पाप समझती है? आपका CGPSC और व्यापम में 3 से 4 बार पूछा गया है। तो देखिए राज्य की ऐसी कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना पाप समझता है? तो मुड़िया जनजाति, याद रखना मुड़िया जनजाति। ककसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपको मुड़िया जनजाति। उड़ड़िया विवाह है ना, उघड़िया नहीं है, वो उड़ड़िया विवाह है जो कौन से जनजाति में प्रचलित है? बैगा, याद रखना कौन से जनजाति में? बैगा। घोटुलपारा नामक मृत्यु गीत किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया। देखिए यह क्वेश्चन आपका व्यापम और PSC में भी पूछा गया है, इसीलिए यह टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमारे मेहनत को देखते हुए वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा ना, इतना मेहनत से हम आप सभी के लिए क्लास लेकर आए हैं जिसमें जितने भी आपका व्यापम PSC में पूछा जा रहा है, अगर आप रिवाइज कर लेते हैं 3 से 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। हमारा मेहनत को ज़ाया ना करते हुए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर जो क्लास कर रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बहेलिया श्रेणी किस जनजाति में आता है? आप सभी को मालूम होता है बहेलिया पारधी लोग को होता है, पारधी काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं ना। कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किए जा रहे नृत्य कौन सा नृत्य कहते हैं? दम नच नृत्य कहते हैं, दम नच नृत्य कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के जन विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? देखिए अब यहाँ पर देखिए विधवा विवाह को अर उत विवाह कहा जाता है, आपको जस्ट आपको मैंने पहले बताया था, उसमें पुनर्विवाह दिया था आपको PSC और व्यापम में पूछा गया था 2019 और 20 में, जबकि ये 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उसमें 2 ही बार दिया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 5 बार पूछा गया है। तो याद रखना विधवा विवाह को अर उत विवाह पुनर्विवाह कहा जाता है, याद रखना ये तीनों टॉपिक अच्छे से रट लीजिएगा, विधवा विवाह और उत विवाह और पुनर्विवाह। विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति आपकी कौन सी है? विंध्यवार। कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? मारिया। पंडो किस जनजाति की उप जनजाति है? मारिया, जो पंडो है ना मारिया जनजाति है। राज्य के किस जनजाति नित्य भय उत्पादक होता है? ये आपको कोरबा आएगा। किस जनजाति में बहनों से भी विवाह किया जाता है? गोंड विवाह में, ठीक है, गोंड विवाह में किया जाता है, जैसे ममेरा फुफेरा भाई बहन का विवाह किया जाता है गोंड जनजाति में, ठीक। कौरवों को अपने पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन सी है? कमार। परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है? धुरवा। क्या कहा जाता है? घुरवा नहीं भाई, धुरवा है ना, धुरवा कहा जाता है। बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा, यहाँ से 4 से 5 नंबर आपका जनजाति क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे फौसल वाड़ा की तैयारी करें, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से एक बार रट लीजिएगा। राज्य का कौन सा जिला पूर्व नरबली? देखिए नरबली आपको बस्तर, याद रखना कभी भी नरबली देखा जाए आपको क्वेश्चन में बस्तर टिक लगाइए। छत्तीसगढ़ कौन सी जनजाति झूम की कृषि? अब देखिए मारिया सबसे ज्यादा अभी क्वेश्चन में क्या मिल रहा है? मारिया। छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं को क्या कहा जाता है? बाल विधवाओं के विवाह को गबन विवाह कहा जाता है, गबन विवाह, याद रखना है आपको PSC SSC और व्यापम में 3 से 4 बार पूछा गया है।
छत्तीसगढ़ में जो बाल विवाह विधवाओं को कहा जाता है गवन विवाह, याद रखना। जनजातीय समाज में प्रचलित महारा बाजा में शामिल नहीं है तो ये तोहली, जबकि नंगाड़ा, मोहरी, तुगड़ी ये शामिल है। गोंड जनजाति में मड़ई के मुख्य दिन जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है, एबाल तो नृत्य कहता है, आपका 2020 में पूछा गया है और ये 2 से 3 बार आया हुआ है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को महादेव की संतान मानती है, भील जनजाति, कोलेरियन और मुंडारी जनजाति किससे कहा जाता है, ये भी आपका 2 से 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कोल किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा में करते हैं, ध्रुवा आपको बताया था ना। किस जनजाति में मनवार भी कहा जाता है, यह आपका 14 पूछा है लेकिन इसको 16 और 19 में भी पूछा गया है, कंवर जनजाति। कंवर जनजाति के निवास क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में नहीं है, दंतेवाड़ा। अगर आप डेली अगर तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो मिलती है हमारे चैनल पर। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। किस जनजाति को धनवार भी कहा जाता है, तो आपका धनवार। धनवार जनजाति के निवास क्षेत्र दुर्ग। आदिवासी समाज में चिटकुल किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, मंजीरा। किस जनजाति के मुख्य व्यवसाय वृक्ष से कत्था निकालते हैं, खैरवा। रसनावसा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, बैगा। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। जिनको तैयारी नहीं करना है वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको पढ़ना नहीं है, है ना, सिलेक्शन नहीं लेना है, बाहर जा सकते हैं। किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है, मुरिया। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है, हलबा। भाथरा जनजाति का निवास क्षेत्र बस्तर जिला। नगेशिया, रायगढ़ और सरगुजा एग्जाम में तो 2 से 3 बार पूछा है इसको। नगेशिया छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रभुता निवास करते हैं, नगेशिया, रायगढ़, सरगुजा, याद रखना। छत्तीसगढ़ के कौन से जनजाति साल वृक्ष, बैगा। कौन से जनजाति पुष्प पुन्नी तथा कर्म जैसे स्थानीय उत्सव मनाती है, खड़िया। कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा किस जिले में तैयार किया जाता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर है जगदलपुर। दूध लौटा हुआ विवाह गोंड जनजाति, जिसमें आपको बताया था ममेरा फफेरा विवाह, भाई बहन का विवाह, और गोंड जनजाति की उप जनजाति आपका अभुजमाड़िया, याद रखना। जनजातियों का घेरपा त्यौहार किस विषय से संबंधित है, कृषि। माड़िया जनजाति में बड्डे किसे कहा जाता है, बड्डे, बड्डे का मतलब होता है वैध, बैगा जो रहता है ना, वैध, जो समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, वैध का मतलब होता है बैगा, है ना, जड़ी बूटी वाला। पारधी जनजाति मुख्यतः कि देखिए पारधी आपको बताया था ना, काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं, आखेट। उराव जनजाति का मूल स्थान कहाँ है, धक्कन, धक्कन आएगा। करिया, इसको याद रखना, करिया किस जनजाति की प्रारंभिक पोशाक है, उराव। करिया उराव, करिया उराव, याद रखो। बैगा जनजाति मुख्य निवास क्षेत्र है बस्तर नहीं है, बिलासपुर। बैगा लोग अक्सर बिलासपुर जिला में निवास करते हैं। धनका किस जनजाति के प्रमुख उप जनजाति, धनका आपको बताया था ना अभी, उराव। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उराव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है बस्तर, आपका उराव। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको छत्तीसगढ़ जनजाति से, प्लस आपका वन लाइनर क्वेश्चन कराए हैं 33, तो कितना क्वेश्चन हो गया, 50 और 3 83 क्वेश्चन। कल के वीडियो में हम 100 क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट है ना, तैयारी करना, सिलेक्शन लेना। आज के लिए इतना ही, फिर यह आपका पार्ट 1 वीडियो है छत्तीसगढ़ की जनजाति से। अब हम इसके बाद पार्ट 2 वीडियो हम देखेंगे। अगर आपको पार्ट 2 वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर हमें पार्ट 2 वीडियो चाहिए, हम आपके लिए